हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ़ोटो शूट करने के तीन अनोखे तरीके। आज की इस वीडियो में आपको इस फ़ोन के तीन अनोखे तरीके बताने वाला हूँ फ़ोटो शूट करने के। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की हिडन फीचर्स की वीडियोज़ हमेशा लाते रहते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको कैमरा को ओपन कर लेना है। कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ से इस तरीके से फ़ोटो शूट करते हैं। बट आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये टच कैप्चर, इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद क्या होता है, आप यहाँ पर फ़ोटो पर कहीं भी क्लिक कर देते हैं, आपका फ़ोटो शूट हो जाता है। तो अभी मैं आपको एक फ़ोटो शूट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये पेंसिल यहाँ पर लिया और फ़ोटो पर टच कर दिया, तो यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है, यहाँ से आप वॉल्यूम डाउन बटन या अप बटन को कोई भी प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर हमारा फ़ोटोशूट हो चुका है। इस तरीके से आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं। और तीसरा जो है, आप फिंगरप्रिंट से भी आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट को इस तरीके से टच कर देंगे, तो इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा और इस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर एज शूटर, इसे ऑन करना है और इसे ऑन करना है, ये दो कर दी। और यहाँ पर कस्टम वॉल्यूम की, तो यहाँ पर शूटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अब यहाँ से फिंगर पर टच करेंगे हम, और यहाँ पर फोटो शूट हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, फिंगर पर टच करने के बाद भी हमारा फ़ोटो शूट हो चुका है। तो इस तरीके से आप तीन अनोखे तरीके से इस फ़ोन में फ़ोटो शूट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के।